हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ वॉर्बिट चैनल स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट में। मैं आपको क्रिकेट से चल पर खबरें आपको दाऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब प्लीज बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको शुरू मिल सके। पहली बड़ी खबर करो करें कब निकल के आ रही साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज के हवाले से खबर निकल के आ रही कि साउथ अफ्रीका की टीम में साउथ अफ्रीका कप्तान टोमा बेयम्बा उस सीरीज में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। सबकी बड़ी खबर निकल के आ रही कि टोमा बेयम्बा उस टी20 सीरीज में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। उसके साथ रीजा हेंड्रिक्स भी उस सीरीज में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। सबकी बड़ी खबर और बुरी खबर साउथ अफ्रीका क्रिकेट के लिए कि कप्तान टोमा बेयम्बा उस सीरीज में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। और दूसरी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही चेन्नई सुपर किंग के हवाले से। की बड़ी खबर चेन्नई सुपर किंग जॉज हेजलवुड की रिप्लेसमेंट जेसन बैरनड्रॉफ को लिया है। सद की बड़ी खबर निकल के आ रही अब चेन्नई सुपर किंग में जेसन बैरनड्रॉफ खेलते हुए दिखेंगे जॉज हेजलवुड की रिप्लेसमेंट पर। इस वक्त की बड़ी खबर जेसन बैरनड्रॉफ बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, अब चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। सद की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही है BCCI के हवाले से। आज की बड़ी खबर IPL 2021 में 100 कमेंटेटर कमेंट्री करते हुए दिखेंगे। सच की बड़ी खबर यानी इस साल IPL में 8 लैंग्वेजों में कमेंट्री की जाएगी, यानी 8 जबानों में IPL की कमेंट्री की जाएगी। ये सच की बड़ी खबर निकल के आ रही है। हर एक क्रिकेट फैन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खबर निकल के आ रही कि इंग्लिश में भी हिंदी में भी तमिल तेलुगू इसके अलावा कन्नड़ा और मलयालम बंगाली और बहुत सारी लैंग्वेजेज यानी मराठी में भी IPL टेलीकास्ट किया जाएगा। सच की बड़ी खबर यानी कमेंट्री अब 8 लैंग्वेजों में की जाएगी। सो की बड़ी खबर पूरे इंडिया के लिए बहुत ही बेहतरीन खबर कि 8 लैंग्वेजों में और 100 कमेंटेटर इसमें रखे गए हैं। सो की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और चौथी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही BCCI के हवाले से। आज की बड़ी खबर BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने कंफर्म किया है कि ICC T20 वर्ल्ड कप जो अक्टूबर नवंबर में खेला जाएगा उनके मुताबिक ये अब इतिहास का सबसे बेहतरीन T20 वर्ल्ड कप होगा। उनके मुताबिक ये T20 वर्ल्ड कप याद रखा जाएगा पूरे सदियों तक। उनके मुताबिक T20 वर्ल्ड कप जो अक्टूबर नवंबर में इंडिया में खेला जाएगा इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है हर एक क्रिकेट फैन को। उनके मुताबिक ये बहुत ही ज़्यादा और यादगार टूर्नामेंट रहेगा ये कहना है सौरभ गांगुली का। और पांचवी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही पाकिस्तान हेड कोच मिसबाउल हक के हवाले से। सच की बड़ी खबर मिसबाउल हक के मुताबिक हमें मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी तभी हम वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी पाकिस्तान की टीम को अच्छा साबित कर पाएंगे। उनके मुताबिक अगर मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर अच्छी बल्लेबाजी कर पाएंगे तो हमारी टीम बहुत ही बेहतरीन टीम होगी। उनके मुताबिक अगर टॉप ऑर्डर की बात की जाए तो फखर जमान इमामुल हक इसके अलावा बाबर आजम बहुत ही ज़बरदस्त टच में और बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है। अगर जो उसके बाद जितने भी बल्लेबाज हैं वो अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं उनको अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी तभी हम आने वाले वक्त में पाकिस्तान की टीम को बहुत ही ज़्यादा फायदा देंगे कहना है पाकिस्तान टीम हेड कोच मिसबाउल हक।